आज तक के मंच पर पत्रकार रवीश कुमार से एक सवाल किया गया था कि एनडीटीवी पर बैन लग जाएगा तो? इसका जवाब रवीश कुमार ने बेबाक अंदाज में देते हुए कहा था, कहीं भी पढ़ लेंगे न्यूज, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पत्रकार स्टूडियो में ही न्यूज पढ़ेगा। और आज एनडीटीवी पर बैन तो नहीं लगा है, लेकिन एनडीटीवी का साथ रवीश कुमार ने छोड़ दिया है। और जैसा कि रवीश कुमार ने आज तक के मंच पर कहा था कि कहीं भी पढ़ लेंगे न्यूज, वैसा ही वो अब बेबाकी के साथ कह भी रहे हैं। वो अपने घर में न्यूज पढ़ रहे हैं और अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने चुप्पी भी तोड़ी है। चलिए आपको बताते हैं कि इस्तीफा देने के बाद रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। एनडीटीवी को अलविदा कहने के बाद रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं, माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं, आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है, अपने यूट्यूब चैनल पर यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है, आपका रवीश कुमार। इसके साथ ही रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया है। अब रवीश के इस ट्वीट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है, कोई उनके जाने से भावुक हो रहा है तो कोई उन्हें ट्रोल भी कर रहा है। जहां एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, आज रवीश सर के लिए इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि आज पता चला ईमानदारी बिकाऊ नहीं होती। आज इस गोदी मीडिया के दौर में सब सच बोलने का इनाम है ये इस्तीफा, जो बिकते नहीं झुकते नहीं वही तो इस्तीफा देते हैं। दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, अहंकार तो रावण का भी टूटा था, फिर आप तो दरबारी पत्रकार थे। एक और यूजर ने लिखा, मोदी जी को समेटने के चक्कर में रवीश की खुद की दुकान ही सिमट गई। एक और यूजर ने लिखा, प्लेटफॉर्म बदला है तेवर नहीं, उम्मीद है कि क्रांति जारी रहेगी, जय हो, इकबाल बुलंद हो। अब बात करें रवीश कुमार की, तो रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे। अपनी रिपोर्ट्स में वो बेरोजगारी, शिक्षा और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं। वहीं पत्रकारिता जगत में अपने योगदान के लिए रवीश कुमार साल 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार से भी नवाजा गया। आपको ये भी बता दें, एनडीटीवी समूह के अध्यक्ष सुपर्णा सिंह ने रवीश कुमार के इस्तीफे को लेकर कहा है कि रवीश कुमार जैसे लोगों को प्रभावित करने वाले पत्रकार बिरले होते हैं, ये उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया में दिखता है। सुपर्णा सिंह ने मीडिया समूह को भेजे गए ईमेल में कहा है, रवीश कुमार दशकों से एनडीटीवी का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं, उनका योगदान बहुत अधिक रहा है और हम जानते हैं कि वो अपनी नई पारी में भी बेहद सफल होंगे। फिलहाल रवीश कुमार के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।